The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that his government's Rozgar budget will generate employment for the youth on a large scale, presenting the budget for the 8th consecutive year. The Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who also holds the finance portfolio, says that the government will spend 4,500 crores in the next 5 years to generate 20 lakh jobs in the city. ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है और ये कोई एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, खोखला वादा नहीं है। आज जितने डिटेल में इस बजट के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई है, जॉब्स कहां से आएंगे, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी। 2014-15 में जब हमारा 15 में जब हमने पहला बजट पेश किया था, वो लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जो बजट पेश किया गया 7 साल के बाद, ये लगभग 76,000 करोड़ का बजट है। 7 साल में ये बजट 2.5 गुना हो गया। इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। दिल्ली का GSDP प्रचलित बाजार मूल्यों पर वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये 17.65% वृद्धि। से राइट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज एट 33%, इन द नेक्स्ट 5 years दे वांट टू इंक्रीज इट बाय 12%, ब्रिंग इट अप टू 45%। बट दैट ऑल्सो मीन्स दैट कट्स हैव बीन मेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बजट। हेल्थ has been reduced by around 1.6%. Education has also been reduced marginally by 0.6%. Of course, with the COVID pandemic waning, vaccination completed, that is expected. But we are here with an opposition leader, Mr. Ajay Mahawar. He is a BJP MLA from Northeast Delhi. Sir, aapka is budget par kya kehna hai? Behad nirashajanak budget hai. Is budget mein दिल्ली के किसानों का दंभ भरने वाली इस दिल्ली सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक पैसा नहीं दिया। हमारे वृद्धा पेंशन के लिए हमने आवाज़ उठाई, मेरे बुजुर्ग परेशान हैं, उनकी पेंशन बंद हैं, उसके लिए एक पैसा नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा। इन्होंने हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक शब्द नहीं कहा, एक पैसा नहीं दिया। महिलाओं के लिए जो ये बातें कर रहे थे पंजाब के चुनावों में कि हम 1,000 रुपये देंगे, वो नहीं दिया। मेरे हिसाब से ये निराशाजनक बजट है। इस बार बजट में इन्होंने रोजगार थीम को लिया है। पिछले बजट में इन्होंने तिरंगा का लिया था, 500 तिरंगा का वादा किया था लगाने का दिल्ली में, 100 लगा पाए, यानी 20% अचीवमेंट लिया है। उसके पहले इन्होंने पर्यावरण के लिए ग्रीन बजट का नाम दिया था। उस ग्रीन बजट की हालत यह है कि आज दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनकर रह गई है और दुनिया में हम उपहास का केंद्र बने हुए हैं।